सर असी देखिया कि जिमें जिमें चोणां नेड़े आ रही पंजाब घटनावां वध रही ने, लुधियाणा में बंब ब्लास्ट होया, बेअदबियां हुई, तो इन सब नूं लैके मुख्यमंत्री चन्नी का एक बयान सामने आ रहा है जिस विच वह कह रहे हैं कि जदों तो बिक्रम सिंह मजीठिया उत्ते एफ आई आर दर्ज की गई है, क्यों उस तों बाद ही घटनावां का सिलसिला शुरू होया, वो इस पिछे उन्हां नाल रिलेटड कोई साजिश नूं कहना चाह रहे हैं, तुसीं इस बारे की कहोगे? देखो जसवीर सिंह, जिहड़ी यह गल्लां मुख्यमंत्री साहब ने कीतियां, मैनूं लगता सारे जिहड़े बयान सियासत प्रेरित ने, जां मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा इन्हां घटनावां दे पिछे सीधा जिहड़ा हत्थ आ उह भावें अकाली दल दा जां अकाली लीडरशिप दा तां नहीं कहा, पर कितना कितें जिवें उन्हां ने यह गल कही आ तां उन्हां दा दोष आ जिहड़ा जिहड़ा मजीठिया जां अकाली लीडरशिप उहदे वल जरूर जांदा। जे तुम ये गल कह कि भ्रिष्टाचार पहला भी तो अज भी था, तुहाडी भी तो दो पिछले दो दहाकियां तो अकाली दल दे नाल सांझ रही आ, तुसीं भी तो सरकार का तीन सरकार दे विच हिस्सा रहे आ, तां वो बड़ी चलाकी दे नाल सवाल का जवाब दे रहे हैं कि साडी उन्हां नाल राजनीतिक सांझ नहीं थी हैगी, साडी उन्हां नाल समाजिक सांझ सीगी, साडे नाल असीं उन्हां नाल जिहड़ी भाईचारक सांझ नूं मजबूत करन वास्ते गठजोड़ कीता सीगा, क्योंकि पंजाब दे विच लंबा समां संताप पंजाब ने भोगिया, अत्तवाद रहा, भाईचारक सांझ टुटी थी, उसी सांझ मजबूत करके समझौता किया, जिहड़ियां सानू 23 सीटा मिलदियां थी उन्होंने 87 सीटा मिलदियां, यह कोई गठजोड़ नहीं है। हाँ सर, जेकर आम आदमी पार्टी की गल करिए उन्होंने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अज गुरदासपुर पहुंचे हुए हैं, जिथे उन्होंने पंजाब सरकार उत्ते भी निशाने बिंदे ने इस लुधियाना केस में लैके भी कि पंजाब सरकार की जो जांच एजेंसी चौकस नहीं सन किवें वापर दिता उन्होंने, इस तो अलावा फिर तो दावे करते नज़र आए हैं कि उन्होंने सरकार आने के उत्ते जिहड़े बेअदबी के दोषी ने उन्होंने सज़ा दी जाऊगी, जो साजिशा चल रही ने उन्होंने पर्दाफाश किया जाऊगा, तो तुम इन दाव्यां किवें देखते? देखो जसवीर, वोटां आ गईयां बहुत नेड़े, सारियां पोलीटिकल पार्टियां ने पंजाब दे विच आउणा, जिहड़े वोटर आ उहनां नाल संपर्क करना, अपनी बयानबाजी भी करनी आ, मैं पहलां भी कह रहा, मैं हुण भी कह रहा कि जिहड़े लीडरशिप आ इह बयानबाजियां करदी आ, ठीक आ कि जिहड़ियां सुरक्षा एजेंसियां दीआं जिहड़ियां हुंदियां जे चाहे उह बॉर्डर पर लगियां होईआं, उत्थे स्टेट दी भी ते नैशनल जिहड़ी सिक्योरिटी आ उहनां दी भी बराबर जिम्मेवारी हुंदी आ, जिते पंजाब दी जिम्मेवारी बणदी आ, पंजाब सरकार दी जिम्मेवारी बणदी आ, उत्थे केंद्र सरकार दी भी बराबर दी जिम्मेवारी आ कि सरहद राहीं हथियार जां नशीले पदार्थ क्यों ते किवें जिहड़े एंटर हो रहे ने। हाँ सर, कपूरथला में जिहड़ी बेअदबी की घटना हुई थी उस बारे हुण कहा जा रहा कि असल बेअदबी करने की कोशिश नहीं सी कीती गई, तो उत्थे हुण जो हैड ग्रंथी सी उत्थे उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया गया, 100 होर लोगों को भी परचा दर्ज किया गया, इस बारे तुसीं की कहो? जसवीर, जिस दिन यह घटना वापरी आपां उस दिन यह गल कही सीगी कि सर पुलिस ने जिहड़े कुछ लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ अणपछाते लोगों के खिलाफ तो चार लोगों के खिलाफ वाई नेम परचा दर्ज किया, हालांकि जिहड़े उस समय के पुलिस अधिकारी तो मुकर गए थे कि परचा दर्ज नहीं किया, पर आपने इस मंच से इस अपने स्रोतों को यह जानकारी दी थी कि पुलिस ने परचा दर्ज कर लिया। सत श्री अकाल, पंजाब स्टार टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जसबीर सिंह स्वागत करता हाँ, तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट। इस प्रोग्राम विच गल करदे हां सियासत नाल जुड़े कुछ अहम मुद्दों के बारे में जिन्हां बारे विस्थार नाल चर्चा करन लई साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार जसन शिब्बर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जसवीर। सर असीं देखिया कि जिवें जिवें चोणां नेड़े आ रही पंजाब विच घटनावां वध रहीयां ने, लुधियाणा विच बंब ब्लास्ट होया, बेअदबियां हुईयां, तो इन्हां सब नूं लैके मुख्यमंत्री चन्नी का एक बयान सामने आ रहा है जिस विच वो कह रहे हैं कि जदों तो बिक्रम सिंह मजीठिया उत्ते एफ आई आर दर्ज की गई है, क्यों उस तों बाद ही घटनावां का सिलसिला शुरू होया, वो इस पिछे उन्हां नाल रिलेटड कोई साजिश नूं कहना चाह रहे हैं, तुसीं इस बारे की कहोगे? देखो जसवीर सिंह, जिहड़ी यह गल्लां मुख्यमंत्री साहब ने कीतियां, मैनूं लगता भी ये सारे जिहड़े बयान सियासत तों प्रेरित ने, जां मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा इन्हां घटनावां दे पिछे सीधा जिहड़ा हत्थ आ उह भावें अकाली दल दा जां अकाली लीडरशिप दा तां नहीं कहा, पर कितना कितें जिवें उन्होंने ये गल कही आ तां उन्हां दा दोष आ जिहड़ा जिहड़ा मजीठिया जां अकाली लीडरशिप उहदे वल जरूर जांदा है, पर मैनू नहीं लगता कि अजिहा जिहड़ी
ਘਲਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਡੰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BSP ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2017 ਦੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਗ ਮੁੱਗੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ते तुहानू गुमराह करदे आ रहे हैं। जिवें कि अज की गल आ अश्विनी शर्मा जी होरां ने जिहड़े बीजेपी के प्रधान ने एक बहुत एक चलाकी वाला एक जिहड़ा बयान आ उह दित्ता, उह कह रहे ने अज जां प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच कि जिहड़ा अकाली दल दा ते कांग्रेस पिछले 20 सालों तो कदे उह सरकार आउंदी आ कदे इह सरकार आउंदी आ, पंजाब दे विच पहलां भी धरने लगदे ते अज भी धरने लगदे आ, पंजाब दे विच पहलां भी भ्रिष्टाचार था अज भी भ्रिष्टाचार आ, पहलां भी माफिया राज था अज भी राज माफिया राज आ, भी उह लगातार चलदा रहा। जदों उहनां नूं सवाल पुछिया गया कि जे तुसीं इह गल कहिंदे कि भ्रिष्टाचार पहलां भी ते अज भी था, तुहाडी भी तां दो पिछले दो दहाकियां तों अकाली दल दे नाल सांझ रही आ, हाँ जी तुसीं भी तां उह सरकार दा तिन्न सरकारां दे विच हिस्सा रहे आ, तां उह बड़ी चलाकी दे नाल सवाल दा जवाब दे रहे ने कि साडी उहनां नाल राजनीतिक सांझ नहीं थी हैगी, साडी उहनां नाल समाजिक सांझ सीगी, साडे नाल असीं उहनां नाल जिहड़ी भाईचारक सांझ नूं मजबूत करन वास्ते गठजोड़ कीता सीगा, क्योंकि पंजाब दे विच लंबा समां संताप पंजाब ने भोगिया अत्तवाद रहा, भाईचारक सांझ टुटी थी, असीं सांझ मजबूत करके समझौता कीता सीगा, उस जिहड़ियां सानूं 23 सीटां मिलदियां तीआं उहनां नूं 87 सीटां मिलदियां, इह कोई गठजोड़ नहीं हैगा। इस करके कितने ना कितने जिहड़ियां इह गल्लां कीतियां जा रहियां गुमराह करन वालियां गल्लां, पंजाब दे लोकां नूं सब पता है कि इहनां दा सियासी गठजोड़ सीगा, रल के सरकारां बणाउंदे रहे, राजनीति दे विच हर समझौते दे विच हर मसले दे बराबर जिम्मेवार थे। अज जिहड़े सियासी लीडर आ इह दुद्ध धोते बण रहे ने किसे भी पार्टी ने, चाहे वह अकाली दल दे होण, चाहे कांग्रेस दे होण, चाहे बीजेपी दे होण, चाहे आम आदमी पार्टी होण, चाहे किसी होर पार्टी दे लीडर होण, उह अपने असल मुद्दियां ते जां जिहड़ी उहनां दी फेलियर हुंदी आ जिस मकसद वास्ते लोगों नाल वादा करके सत्ता दे विच आए हुंदे ने, जां उह लोगों नाल वादे करदे ने कि असीं इह करांगे, उस वादियां दी उह पूर्ति नहीं कर सकते, उह वादे पूरे नहीं कर सकते, हुंदा की है कि फिर वह लोगों को गुमराह करते हैं कि उन्हां पर एक दूजे पर दूषणबाजी की राजनीति करते आ रहा। हुण मजीठिया की गल चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने की कि 2013 का मामला जिहड़ा यह दर्ज होया सीगा अकाली भाजपा सरकार ने किया, तो जिहड़े उदों दे एक खिडारी सीगे जगदीश भोला रुस्तम हिंद जिन्हां नूं कहा, उन्होंने विक्रम मजीठिया का नाम लिया, उसके बाद ईडी की रिपोर्ट आई, एसटीएफ ने जाँच की, वह जाँच के आधार पर ही असी जो सानू कोर्ट ने कहा कि तुसी कार्रवाई कर सकते हो भी उहदे मुताबक जिहड़ी कार्रवाई की है उहदे मुताबक ही पंजाब की जिहड़ी पुलिस आ पंजाब सरकार ने यह परचा दर्ज कराया कि जाँच आ जिहड़ी अगे चली है, वड्डियां मच्छियां जिहड़ियां उह फड़ियां जाणगियां, वड्डियां कार्रवाइयां होणगियां। नाल दी नाल उन्होंने यह भी गल कही कि इस मामले दे विच हुण जिहड़े साबका मुख्यमंत्री आ कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने नाल मिले हुए सीगे, उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सके, कितने कितने जे हुण असीं कार्रवाई की आ तां इह उन्हां दी जिहड़ी सांझ प्याली आ मिली भुगत आ जिहड़ी बाहर आ रही है। पिछले दिनों लगातार जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह यही कह रहे हैं कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ़ कोई सबूत नहीं हैगा, यह जिहड़ी बदलाखोरी की राजनीति की जाता, पर सवाल पैदा यह हुंदा कि चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह आ चाहे होर लीडर आ, फिर इन्हां ने जेकर विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दोष नहीं है, विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, असीं भी इस गल की कोई पुष्टि नहीं करते भी सबूत है या नहीं, पर सवाल यह पैदा हुंदा है कि जेकर विक्रम मजीठिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर समुची कांग्रेस लीडरशिप ने पिछले एक दहाके तो विक्रम मजीठिया की ज अकाली दल की छवि क्यों खराब की, हाँ जी लोगों को पंजाब के लोगों को क्यों खराब किया कि इस मामले के विक्रम सिंह मजीठिया का हाथ आ, उस जिहड़ा भद्दर पुरश आ जिस व्यक्ति का हाथ नहीं जिस व्यक्ति के खिलाफ तुहाडे कोल कोई सबूत नहीं, तुसीं उहदी दुनिया भर के यह तरह तरह की उहदी भंडी प्रचार किया, उन्हां पर तुसीं एक दोष लाता कि यह मजीठिया जिहड़ा नशे का तस्कर आ, यह किड्डा वड्डा एक व्यक्ति के उपर इल्जाम ला रहे तुसीं, फिर तुसीं उदों क्यों इल्जाम लाया, यह भी फिर पंजाब के लोगों नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जां होर लीडरां नूं जिहड़े अज कह रहे आ कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ़ कोई सबूत नहीं, तां उहनां नूं पंजाब के लोगों तो यह माफ़ी भी मंगनी चाहिए कि असी उदों पोलीटिकल माइलेज लेने वास्ते पोलीटिकल अपनी सत्ता प्राप्ति वास्ते असी विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ़ झूठे दोष लाते रहे असल में अजिहे नहीं, तां कि उन्हां लोगों का जिहड़ा चेहरा बेपरदा जिहड़ा वो लोगों के होना चाहिए कि राजनीतिक लोग किवें अपनी सत्ता की प्राप्ति वास्ते कुर्सियां हासिल करने वास्ते जिहड़ियां एक दूजे पर झूठी दूषणबाजी ला के उन्होंने पर झूठा प्रचार करके बंदे की जिहड़ी छवि आ शख्सीयत आ उन्हूं धुंधला करते हैं, उन्हूं गंदला करते हैं, उन्हूं खराब करते हैं। इस करके देखो मामला कोर्ट के कचहरी के ये कल भविख की होगा ये हुण सबूतों के उपर जां कोर्ट की जो जजमेंट होगी जां कोर्ट का फैसला उदों पता लगेगा, पर यह गल जरूर है
कि इस ड्रग के नशे के मुद्दे पर जिहड़ा बिक्रम सिंह मजीठिया के मुद्दे पर पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते जिहड़ी राजनीति आ ओह हो रही आ क्योंकि वोटां बहुत नेड़े आ गईआं ने। इस करके पंजाब दे लोकां नूं वी इह गल समझण दी जरूरत आ कि जिहड़े अज ड्रग दीआं गल्लां करदे ने नशे दीआं गल्लां करदे ने कि उहनां ने सचमुच पंजाब दे लोकां दा भला कीता जां नहीं कीता, जां भला करनगे जां नहीं करनगे, इह पंजाब दे लोकां नूं अपने अंतम मंथन करन दी जरूरत आ कि उहनां नूं की रस्ता अख्तियार करना चाहीदा। हाँ सर, जेकर आम आदमी पार्टी की गल करिए उन्होंने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अज गुरदासपुर पहुँचे हुए हैं जिथे उन्होंने पंजाब सरकार उत्ते भी निशाने विंदे ने इस लुधियाना केस में लैके भी कि पंजाब सरकार की जो जांच एजेंसियां चौकस नहीं सन किवें वापरन दिता उन्होंने। तो इस अलावा फिर तो दावे करते नज़र आए हैं कि उन्होंने सरकार आने के उत्ते जे बेअदबी के दोषी ने उन्होंने सज़ा दी जाऊगी, जो साजिशा चल रही ने उन्हों का पर्दाफाश किया जाऊगा। तो तुम इन्हों दावों किवें देखते हो? देखो जसवीर, वोटां आ गईआं बहुत नेड़े, सारियां पोलीटिकल पार्टियां ने पंजाब दे विच आउणा, जिहड़े वोटर आ उहनां नाल संपर्क करना, अपनी बयानबाजी भी करनी आ। मैं पहलां भी कह रहा, मैं हुण भी कह रहा कि जिहड़े लीडरशिप आ इह बयानबाजियां करदी आ। ठीक आ कि जिहड़ियां सुरक्षा एजेंसियां दीआं जिहड़ियां हुंदियां, जे चाहे उह बॉर्डर पर लगियां होईआं, उत्थे स्टेट दी भी ते नैशनल जिहड़ी सिक्योरिटी आ उन्हां दी भी बराबर जिम्मेवारी हुंदी आ। जिथे पंजाब दी जिम्मेवारी बनती आ, पंजाब सरकार दी जिम्मेवारी बनती आ, उत्थे केंद्र सरकार दी भी बराबर दी जिम्मेवारी आ कि सरहद राही हथियार जां नशीले पदार्थ क्यों ते किवें जिहड़े एंटर हो रहे ने, इह इक वड्डा जांच दा विशा है कि किहड़ां दे राही, किहड़ियां वड्डियां मच्छियां दे राही किवें किवें जिहड़े नशे ते जिहड़ी हथियार आ उह पंजाब दे विच जिहड़े एंटर हो रहे ने। तो दूजी गल ये गल कहना कि असी पर्दा पास करांगे, असी ये करांगे, अज चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने भी यही जिहड़ा उहनां दा माफ़ीनामा वो दिखाया जिहड़ा उन्होंने बिक्रम सिंह मजीठिया तो माफ़ी मंगी हुई है। ये दो पिछले दो दिन तो जिहड़े पूरा सोशल मीडिया पर जिहड़े पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने नवजोत सिद्धू वह भी दिखा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया होया, फेसबुक पर भी पाया होया कि किवें नव जिहड़े ये अरविंद केजरीवाल उन्होंने नशे के मुद्दे पर माफ़ी मंगी सी। यही अज उन्हों की जी चरणजीत सिंह चन्नी होर ने भी वो माफ़ीनामा दिखाया। कितना कि हूँ जी कि लोगों को बहुता गुमराह नहीं कर सकते, जी थोड़ी राजनीति आमराह बयानबाजी नहीं कर सकते, लोगों को थोड़ा पता लगन लग गया। असं यही कहना भी लोग बहुत सुचेत हो गए, पर लोग सुचेत होए ने हूँ, इन पता लग रहा कि साड़ी जी कि दाल है बहुत ही गलन वाली नहीं। हूँ वोटा है, वोटों के आके उन्होंने इधर प्रचार करना, चाहे झूठा करना सच्चा करना, ये जिहड़े सियासी लोग ने वो समझ लेंदे ने कि किहड़े मुद्दे चलते हैं, लोग क्या चाहते हैं, फिर उस तरह की जिहड़ी भाषा है, उस तरह की बयानबाजी है, ये बोलन लग पैंदे ने। जिवें कि अरविंद केजरीवाल इधर आया, ये कई मतलब पंजवीं छेवीं बार आया, आने वाले दिनों में होर आउणगे, गेड़े लाउणगे। तो एक जिहड़ियां ट्रांसपोर्ट मुद्दे नूं लेके बार बार जिहड़े हमले करते आ रहे हैं, नशे के मुद्दे नूं लेके करते हैं, माफिया राज नूं लेके हमले के कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, पर कितना किते जिहड़ी यही सेम गल आ कि अज जिहड़ा राजा बड़िंगा जां कांग्रेस की जिहड़ी सरकार आ इह अरविंद केजरीवाल पर भी हमला कर रही नहीं कि जदों जिहड़ियां पंजाब दीआं प्राइवेट बसां है जिहड़ियां एक पोलीटिकल पार्टी के नाल जिहड़े संबंधित आगू ने उन्होंने परिवार दीआं जां उन्हां दे रिश्तेदारां दीआं जिहड़ियां बसां वो अमृतसर तो दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधियां जा सकदियां, तां पंजाब दी सरकारी बस क्यों नहीं जा सकदी? ये एक बड़ा सवाल आ। मेरे याद आ जदों पहला अपने मलेरकोटला तो जिहड़े विधायक ने जिया सुल्ताना जी जदों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सन, उन्होंने दो चिट्ठियां जिहड़ियां अरविंद केजरीवाल नूं लिखियां कि जिहड़ियां बसां दा जिहड़ियां एयरपोर्ट पर जांदियां इस मसले नूं हल कीता जावे। तां उदों जिहड़े आप दे विधायक सीगे अमन अरोड़ा ते विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ते समेत होर वो ये कहिंदे रहे कि अस ये बयानबाजी कर रहे ने, गुमराह करते हैं, साढ़े नाल चलो, असीं उन्हां नूं बैठ के अरविंद केजरीवाल जी नाल मुलाकात करवाउंदे ने, मीटिंग करवाउंदे ने, ये मसले नूं हल करवाउंदे ने, कि मसला हल नहीं करवाउणा चाहुंदे। कांग्रेस आ जिहड़ी वह अकाली दल दे नाल मिली हुई आ, अकाली दल की लीडरशिप नाल मिली हुई आ, बादल परिवार नाल मिली हुई आ, ये मिल के जिहड़ा काम कर रहे हैं। पर हुण जे सत्ता परिवर्तन होगी, पंजाब की सत्ता चेंज होगी, राजा बड़िंगा ने कई बसां जिहड़ियां फड़ियां, प्राइवेट बसां फड़ियां जिहड़ियां बादल परिवार नाल संबंधित सीगियां, ऑर्बिट नाल संबंधित सीगियां, जां जुझार कंपनी दीआं बसां, होर कई कंपनी दीआं बसां सीगियां, वो इन्होंने फड़ियां। बाद चो मामला अदालत में भी चले गया भी साडियां गलत बसां फड़ियां, एक अलग मुद्दा।
पर सवाल यह होंगे भी जब वो बस चंडी दिल्ली जा रही है तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है तो पंजाब रोडवेज दी सरकारी बसा क्यों नहीं जा रही जा जी केंद्र सरक पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठिया लिखिया वह दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई जवाब क्यों नहीं दिता उन्होंने मीटिंग क्यों नहीं की ये अपने आप के एक सवाल खड़ा हो रहा है। जे अरविंद केजरीवाल पंजाब राजनीति कर आ रहे हैं तो जिहड़ा अज सेम पैटर्न ते ही राजा बड़िंगा जिहड़े वो दिल्ली जाके राजनीति कर लगे कितना कितने जिहड़ा राजनीतिक माहौल वो छेड़िया जा रहा पंजाब दे विच जिहड़ी राजनीतिक लोकां ने लोकां दी नब्ज़ नूं फड़न वास्ते अपनी जिहड़ी लोकां दा ध्यान भटकाउण वास्ते एक तरह की राजनीति की जा रही है। लोगों नूं पता लगना चाहिए कि असल की है तो नकल की है सच्चाई की है तो झूठ की है। ये जवाब आ जिहड़ा अरविंद केजरीवाल नूं दसना चाहिए कि वह पंजाब दीआं बसां नूं जिहड़ियां एयरपोर्ट तक क्यों नहीं लिजाण विच सफल हो सके जा इहदे पिछे की कारण आ ये अरविंद केजरीवाल नूं सफाई देनी पवेगी। हाँ सर कपूरथला में जिहड़ी बेअदबी की घटना हुई थी उस बारे हुण कहा जा रहा कि असल बेअदबी करने की कोशिश नहीं सी कीती गई तो उत्थे हुण जो हेड ग्रंथी से उत्थे उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया गया तो 100 होर लोगों भी परचा दर्ज किया गया इस बारे तुसीं की कहोगे? जसवीर जिस दिन यह घटना वापरी आपां उस दिन यह गल कही सी कि सर पुलिस ने जिहड़े कुछ लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ अणपछाते लोगों के खिलाफ तो चार लोगों के खिलाफ वाई नेम परचा दर्ज किया है। हालांकि जिहड़े उस समय के पुलिस अधिकारी तो मुकर गए थे कि परचा दर्ज नहीं किया पर आपने इस मंच से इस अपने स्रोतों ये जानकारी दी थी कि भी पुलिस ने परचा दर्ज कर लिया क्योंकि जिवें आप देख रहे थे जो घटना सामने आई है उस दिन तो वो घटना जी शक्की जाप रही थी कि यह बेअदबी की घटना नहीं हैगी। इस घटना बेअदबी का रूप दिता गया लोगों दिया सिखा दिया भावनावान उन्होंने भड़काने का एक यतन किया गया। असल यह एक कोई सोची समझी एक साजिश लगती है। अज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होर ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे यही गल की है कि जी कपूरथला की घटना वह असल में बेअदबी की घटना नहीं सी इहदे पिछे होर वड्डी कोई साजिश सीगी ये एक कतल आ कि इहदा बहुत जल्दी जिहड़ा दुध का दुध पानी का पानी थोड़े सामने आएगा साचा जिहड़ा सामने आ जाएगा कि उहदे विच कितना किते जिहड़ी कतल सी जो किया गया मिथ मिथके कतल किया गया वो ध्यान भटकाने वास्ते एक साजिश रची गई कि इन्हां उस व्यक्ति ने उत्थे बेअदबी करने की कोशिश की जबकि बेअदबी नाम की कोई चीज़ नहीं उत्थे आई। पिछले दिनों के कई दिनों तो सोशल मीडिया पर भी यही लगातार चल रहा है कि जिहड़ा कपूरथला दे विच घटना करन वाला व्यक्ति था वो एक तरह का उत्थे कोई गरीब सीगा वो कोई तो कह रहा भी वो रोटी खाण गया सीगा ते उन्होंने कहा कि जिहड़ा उत्थे दा गुरुद्वारे का जिहड़ा ग्रंथी आ जां प्रबंधक उन्हें कहा कि वह चोरी करन आया सीगा जिस तों स्पष्ट हुंदा कि उन्हें बेअदबी का उत्थे होण दा कोई सबूत नहीं मिलिया उत्थे एक तरह का जिहड़ा ध्यान भटकाउण दा यतन होया उस करके उस दे मामले दे विच गिरफ़्तारी आ जिहड़ी लगभग हो चुकी है तो आने वाले समय के जिहड़ियां होर गिरफ़्तारियां भी हो सकदियां। आपां पहलां भी यही गल कही थी तो अज फिर अपने स्रोतियां नूं ते पंजाब दे लोकां नूं एक मैसेज देना चाहुंदे आ कि ज यह बहुत एक सेंसिटिव इशू हुंदा है लोगों दी भावनावां नाल जुड़िया हुंदा बहुत नाजुक जिहड़ा विषय है कि जदों कोई बेअदबी दी घटना हुंदी आ तुसीं पीड़ दे रूप विच जाके जिहड़ी आपां जदों उत्थे मॉब लिंचिंग हुंदी आ भी आपां उह तों बचण दी जरूरत आ भीड़ दे विच जाके तुसीं किसे दा कतल कर देना मार देना किसे नूं किसी की जान खोना यह अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा एक अपराध आ इस करके भीड़ दे विच जाके किसी का कतल करन तों बचण दी जरूरत आ। अज हो की रहा जिहड़ी अमृतसर की घटना उहदे विच हुण तक साडे हत्थ कोई सबूत नहीं लगे भावें कि यह पता लग रहा है जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े नुमाइंदे आ जां पुलिस आ जिहड़ी उह यह दस रही है कि वह 15 दिनों तो दरबार साहब दे विच रह रहा सीगा ते कई बार उन्हें मत्था भी टेकया कि पिछले कई दिनों दौरान ते होर जिहड़े उत्थे उत्थे मार्केट आ उत्थे रहिंदा रहा पर वह है कौन आ कित्थे दा रहण वाला है कौन ही साज दे एक तरह की जिहड़ी उहदे कतल दे नाल उह जिहड़ी जिस सराग लगाउण तक जिस जगह तक वो पुलिस के हाथ पहुँचने चाहिए थे जिथे तक जाँच जानी चाहिए थी वह कितना कितने वो रुक गई। इस करके इन्नी कालबाजी है जिहड़ी किसी भी मामले दे विच कारों तो बचना चाहिए खास करके सानू गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले दे विच जदों अजिही घटना हुंदी आ तां सिखां नू अपने हाथ दे विच कानून लैण तो बचना चाहिए उन्हां नू समझ लेना चाहिए
कि बार बार पंजाब दे विच जिहड़ी सिखां नूं नौजवानां नूं प्रवोक करन दे जिहड़े जतन आ उह एजेंसियां वल्लों कीते जा रहे ने, सिखां नूं जाण बुझ के उलझाउण दे जतन कीते जा रहे ने। इस करके सिखां नूं बहुत संजीदगी दे नाल नौजवानां नूं बहुत संजीदगी दे नाल निमरता दे नाल चलण दी जरूरत आ, तां जाके किते पंजाब दा पंजाबियां दा भला होना है। सिख कौम आ जिहड़ी उहनूं इक पासे रास्ते तों भटकाउण दे जिहड़े जतन आ उह कीते जा रहे आ। सानूं तां गुरबाणी आ जिहड़ी गुरु महाराज साडे जिहड़े गुरु होए ने उहनां ने वी इही उपदेश दित्ता है, किसे नहत्थे ते आपां ने पहला वार नहीं करना हैगा। इस नहत्थे ते वार करन तों सानूं बचना चाहीदा। सानूं इस जिहड़ी जड़ आ चोर नूं मारन दे बजाए चोर दी मां नूं फड़न दी जरूरत है कि इहदे पिछे हथ कौण आ, किहड़े लोक आ जिहड़े वार वार सिखां दीआं भावनां नूं भटकाउण दा ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।